हिंदू धर्म में सैकड़ों त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे मकर संक्रांति, होली, दीपावली, रक्षाबंधन आदि। प्रत्येक त्योहार अलग अलग अवसर से संबंधित है। कुछ वर्ष की ऋतुओं का स्वागत करते हैं, कुछ फसल कटाई का, वर्षा ऋतु का अथवा पूर्णिमा का स्वागत करते हैं, कुछ धार्मिक पौराणिक कथाओं से जुड़े हुए हैं। हमारे त्यौहार हमारी सांस्कृतिक परंपरा व सभ्यता के प्रतीक है, जो कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति से जुड़े हुए हैं। ये त्यौहार हमारी संस्कृति की धरोहर है। इन त्यौहारों के माध्यम से हमारी संस्कृति की वास्तविक पहचान होती है और हर त्यौहार के पीछे कुछ ना कुछ धार्मिक या वैज्ञानिक रहस्य जरूर छुपे हुए होते हैं। वैदिक धर्म ग्रंथ, धर्म सूत्र और आचार संहिता में इन त्योहारों में सूर्य चंद्र की संक्रांतियों और कुंभ का अधिक महत्व है, क्योंकि ये प्रकृति से जुड़े हुए हैं। साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि प्रकृति से जुड़े मकर संक्रांति का त्योहार मनाने के पीछे क्या धार्मिक एवं वैज्ञानिक रहस्य है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदुइज्म मिस्ट्री में। हिंदू धर्म में समय समय पर आने वाले त्योहार जीवन में उल्लास एवं उमंग का संचार करते हैं। साथियों, संक्रांति का अर्थ है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना। पूरे वर्ष में कुल 12 संक्रांतियां होती है, लेकिन इनमें से मेष, कर्क, तुला और मकर संक्रांति महत्वपूर्ण है। साथियों, पृथ्वी की धुरी 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण सूर्य 6 महीने पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के निकट होता है और शेष 6 माह दक्षिणी गोलार्ध के निकट होता है। मकर संक्रांति से पहले सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में रातें बड़ी एवं दिन छोटे होते हैं, लेकिन मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आना शुरू हो जाता है और भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिसके कारण भारत में रातें छोटी और दिन बड़े होने लग जाते हैं। इसी कारण से कहा जाता है कि मकर संक्रांति में अंधकार की कमी और प्रकाश की शुरुआत होती है और सभी जीवधारी प्रकाश चाहते हैं। दिन बड़े होने से प्राणियों की कार्य शक्ति में वृद्धि होती है। इस कारण से मकर संक्रांति के दिन सूर्य की आराधना एवं पूजा कर उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। साथियों, शास्त्रों के अनुसार सूर्य जब दक्षिणायन होता है, उसे देवताओं की रात एवं उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा जाता है। साथियों, दक्षिणायन को नकारात्मकता का प्रतीक एवं उत्तरायण को सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि उत्तरायण के 6 माह में देह त्याग करने वाले ब्रह्मा गति को प्राप्त होते हैं, जबकि दक्षिणायन के 6 माह में देह त्याग करने वाले संसार में वापस आकर जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसी कारण से भीष्म पितामह महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद मकर संक्रांति की प्रतीक्षा में अपने प्राणों को रोक कर बाणों की सैया पर पड़े रहे थे। साथियों, मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान, सूर्य उपासना व तीर्थ स्थानों पर स्नान दान विशेष पुण्य कार्य होता है। ऐसी धारणा है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुण्य प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन तिल का बहुत महत्व है। कहते हैं कि तिल का भोजन करने से मकर संक्रांति का पुण्य फल प्राप्त होता है और पाप नष्ट हो जाते हैं। वही आयुर्वेद में तिल एवं गुड़ को कफनाशक तीव्र असरकारक औषधि के रूप में जाना जाता है। यह स्वभाव से गर्म होता है, इसलिए सर्दियों में मिठाई के रूप में खाया जाता है। अगर वैज्ञानिक आधार की बात करें तो तिल के सेवन से शरीर गर्म रहता है और इसके तेल से शरीर को भरपूर नमी मिलती है। दरअसल गर्मियों में शरीर का तापमान गिर जाता है, ऐसे में तिल और गुड़ गर्म होते हैं और इनको खाने से शरीर गर्म रहता है। मकर संक्रांति के दिन पतंगबाजी भी की जाती है। इसका कारण ये है कि इस मौसम में सुबह का सूर्य शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक और त्वचा एवं हड्डियों के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। अतः पतंग उड़ाने का उद्देश्य कुछ घंटे सूर्य के प्रकाश में बिताना होता है। साथियों, मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, जिससे घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। मकर संक्रांति का पर्व पूर्ण प्रकृति आधारित है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों सालों पहले खगोलीय गणना कर ली थी, जिसके माध्यम से सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि ग्रहों की स्थिति एवं गति का पता चला, जिसके माध्यम से प्रकृति में बदलाव होता है। साथियों, कहीं ना कहीं ये कहना सार्थक होगा कि हमारे ऋषि मुनि वैदिक कालखंड के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने हजारों साल पहले ही खगोलीय गणना के माध्यम से मकर संक्रांति जैसे पर्व को
देश दुनिया के सामने रखा ताकि लोगों का प्रकृति से जुड़ाव बना रहे। साथियों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी को आप भली भांति समझ पाए होंगे। ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हिंदुज्म मिस्ट्री के साथ। धन्यवाद। जय सियाराम।